फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को पेश करने वाली हैं। फाइनेंस मिनिस्टर छठी बार बजट पेश करेंगी। इस बार अंतरिम बजट में सरकार कृषि और महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कि इस बार मोदी सरकार अंतरिम बजट के दौरान महिलाओं और किसानों के लिए क्या कुछ पेश करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं महिलाओं की, तो इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए बजट का आकार बढ़ाया जा सकता है। पिछले 10 सालों में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पर बजट खर्च का दायरा 30% तक बढ़ा है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजना का ऐलान कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का भी ऐलान किया जा सकता है और ऐसा पॉसिबल है कि महिला किसानों के लिए सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 तक की राशि देने का ऐलान भी किया जाए। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और ज्यादा मानदेय देने की भी उम्मीद है। इसके लिए महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहन योजना लाने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब बात करते हैं किसानों की, जिस पर हमेशा से यह कहा जाता है कि पीएम मोदी का एक खास फोकस देखने को मिलता है। आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एग्री क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ किया जा सकता है। सरकार यह भी सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि शर्तें पूरी करने वाले हर किसान को लोन आसानी से मिल सके। सामने आई जानकारी की माने तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने एग्री लोन के लिए 20 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं इस बार के बजट में सरकार किसान सम्मान निधि योजना की राशि में बढ़ोतरी की अनाउंसमेंट कर सकती है। किसान सम्मान निधि को वर्तमान में 6,000 से बढ़ाकर 8,000 तक किया जा सकता है। इस बार के बजट में सरकार नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS को भी अट्रैक्टिव बनाने की अनाउंसमेंट कर सकती है। इस बार के अंतरिम बजट में सरकार का फोकस आम लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बढ़ावा देने पर हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरकार अंतरिम बजट से पहले 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश कर सकती है, जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट भी कह सकते हैं। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा और आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर यह पता लगाया जाता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में क्या कुछ महंगा हो सकता है और क्या कुछ सस्ता, और पिछले एक साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था में कैसा प्रदर्शन किया है। खैर, महिलाओं और किसानों के लिए सरकार का हमेशा से एक फोकस देखने को मिला है। जानकारों का यह मानना है कि इन दोनों वर्गों के लिए सरकार कुछ ना कुछ अनाउंस जरूर करेगी। जैसे 2019 के अंतरिम बजट में सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को पेश किया था, तो इस बार हो सकता है कि महिलाओं के लिए किसानों के लिए कुछ सरकार इस तरह की अनाउंसमेंट कर सकती है।